हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य यूडीएरा। हम सोशल साइंस के बारे में बात कर रहे थे और सोशल साइंस के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर मतलब राज्यपाल। राज्यपाल की स्थिति के बारे में हमने देखा। राज्यपाल में आप लगभग 153 से लगाकर आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 तक, ठीक है, आर्टिकल 153 से लगाकर आर्टिकल 152 तक जो है आप कंटिन्यूस जो है जो भी उसके जो प्रोविजंस है वो सारे कंटिन्यूस आप रीड करोगे, ठीक है, आर्टिकल 153 से लगाकर 62 तक। इसमें अपन एक बीच में रह गया था आर्टिकल 161, ठीक है। ये आर्टिकल जो है पावर से रिलेटेड है, इसलिए हम पढ़ेंगे द पावर ऑफ द गवर्नर के अंदर पढ़ेंगे। आर्टिकल 162 में अपन ने देखा था गवर्नर की सैलरी के रिगार्डिंग, कि सैलरी के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अपन बिल्कुल सीरीज वाइज आपको देखना है आर्टिकल 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, ठीक है, और 162, ठीक है। ये थोड़ा ब्रेक करना है। देखो यहाँ पे गवर्नर के बारे में दे रखा है कि हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर होगा या दो राज्य मिलके जो है एक किसी एक गवर्नर को जो है वो दे सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे एक बात रह गई थी, ठीक है, इसके अंदर कि यदि दो राज्य यदि मिलके किसी गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, मान के चलो दो राज्य यदि मिलके गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, तो गवर्नर की सैलरी तो फिक्स है 3.5 लाख, एक गवर्नर को इतनी सैलरी मिलेगी, तो दोनों राज्य कैसे जो है वो सैलरी कैसे पे करेंगे। तो इस सिचुएशन में हमेशा क्या होगा, जो पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगी वो राष्ट्रपति ऑर्डर जारी करेगा, ठीक है, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल डिस्कशन करेगी और प्रेसिडेंट जो है इसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइन होगी कि कौन सा स्टेट कितना पार्ट शेयर करेगा, 50-50% भी हो सकता है या कुछ कोई भी अलग अदर रेशियो भी जो है वो फिक्स कर सकता है। ये कौन करेगा, ये करेगा प्रेसिडेंट सैलरी के रिगार्डिंग। तो यहां से सैलरी के रिगार्डिंग एक और चीज थी, ठीक है, सैलरी के अंदर यदि ज्वाइंट यदि है, ठीक है, ज्वाइंट गवर्नर है तो उस कंडीशन में कौन चीज फॉलो करेगा। इसके बाद में कभी कभार ये होता है कि जैसे मान के चलो ज्वाइंट गवर्नर है, किसी दो स्टेट का ज्वाइंट गवर्नर है, और मान के चलो उस ज्वाइंट गवर्नर की यदि डेथ हो जाती है या फिर वो किसी काम से बाहर जाता है तो फिर उसकी जगह पे कौन काम करेगा, ठीक है, एज ए एक्टिंग गवर्नर कौन काम करेगा। तो उस कंडीशन में यदि एक्टिंग गवर्नर में जो प्रेजिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि देखो गवर्नर वर्किंग एज ए द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एज ए एजेंट है। अपन अभी पावर में भी पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कैसे है, ठीक है, तो एज ए एजेंट की तरह काम करता है। जैसे यूएसए के अंदर क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है, और वहां पे जो है मेन जो होता है हेड, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है, उसके सारे एजेंट की तरह जो है पूरे जो कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी क्या होता है, सेंट्रल की पावर हर स्टेट के अंदर अपनी कंट्रोल होती है, अपनी कमांड होती है, ठीक है, एज एजेंट की तरह काम करता है। देखो यहाँ पे पोस्ट के बारे में, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है, आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव हेड होता है, आर्टिकल 155 के अंदर अपॉइंटमेंट के बारे में दे रखा है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दे रखा है, आर्टिकल 156 में उसके टेन्योर के बारे में दे रखा है, मतलब उसका कार्यकाल कितना होगा, कौन उसके जो है प्रेसिडेंट के विश के जब तक ऑन द विश ऑफ द प्रेसिडेंट तक वो रूल्ड करेगा। आर्टिकल 156 में जो है उसकी एलिजिबिलिटी दे रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद में दे रखी है 158 में कंडीशन दे रखी है, शर्तें राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या किन किन शर्तों का जो है वो प्रोविजन से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखी है ओथ के बारे में, शपथ, ठीक है, गवर्नर को शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उस स्टेट का हाई कोर्ट जो भी होगा वो उसको जो है वो शपथ दिलवाएगा। एक चीज देखो, शपथ का ये इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, शपथ दिलाता है उस स्टेट का हाई कोर्ट। और ये रिजाइन कैसे करते हैं, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, क्योंकि अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। तो अपना रेजिग्नेशन भी जो है गवर्नर अपना रेजिग्नेशन सीधा किसको हैंड ओवर करता है,
ठीक है, सीधा प्रेसिडेंट को जो है हैंड ओवर करता है। दूसरा, इनको हटाने की पावर भी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट चाहे तो इनको ट्रांसफर भी कर सकता है। आर्टिकल 160 के अकॉर्डिंग जो है, देखो 159 के अंदर जो है संपत्ति दे रखी है, ठीक है, और सैलरी के जो रिगार्डिंग जो भी है वो है आर्टिकल 162 के अंदर। और 160 के अंदर जो है यदि कोई पोस्ट वैकेंट हो जाए, ठीक है, पोस्ट क्या हो जाए वैकेंट या कोई पद जो है वो खाली रह जाए, तो उस कंडीशन में जो है ये कौन एज ए एक्टिंग गवर्नर की तरह कौन काम करेगा वो दे रखा है आर्टिकल, ठीक है, 160 के अंदर, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये अपन को लगभग याद रखने हैं। अब अपन देखते हैं पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है, गवर्नर क्या क्या काम करता है, क्या क्या पावर्स हैं उसकी स्टेट में। देखो पावर्स के रिगार्डिंग एक लाइन सिंपल याद रखनी है, ठीक है, वो स्टेटमेंट याद रखना है दुर्गादास बसु का, ठीक है, कि गवर्नर इज द सिमिलर टू द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट डिप्लोमेटिक मिलिट्री एंड क्राइसिस टाइम, ठीक है, ये क्राइसिस पावर के एक्सेप्ट सारी पावर्स आर इक्वल टू द प्रेसिडेंट, सब मैच करेगा। अब अपन नॉर्मल इसके वर्क पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ द गवर्नर, फंक्शंस ऑफ गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है गवर्नर का, ठीक है, और क्वेश्चन बनते ही बनते हैं गवर्नर से रिलेटेड। अपन पहला इसका फंक्शन देखते हैं, ठीक है, वो है लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर। देखो गवर्नर इज आल्सो द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो लेजिस्लेचर का पार्ट है तो मतलब क्या करेगा, स्टेट गवर्नर जैसे जो प्रेसिडेंट के काम है वो लगभग स्टेट के अंदर गवर्नर के काम है। वहां पे क्या होता है, जैसे जो भी पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सेशन को जो है वो कॉल्ड करता है, प्रेसिडेंट कॉल करता है उनको, जो है वो फिनिश की जो ऑर्डर देता है, कंप्लीशन का जो ऑर्डर देता है वो भी कौन देता है, प्रेसिडेंट देता। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही, तो देखो यहाँ पे दोनों चीजें होती है या नहीं होती है, मान के चलो कभी एलए हैं, ठीक है, हर स्टेट में एलए तो होगी होगी और किसी किसी स्टेट में एलसी भी है, ठीक है, तो पूरा जो मंत्रिमंडल होता है जिसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके सेशन को बुलाने का काम या फिर उसके कंप्लीशन की जो डिक्लेरेशन है वो कौन करता है, वो गवर्नर करेगा, ठीक है। एक चीज और मान के चलो यदि लेजिस्लेटिव असेंबली कंटिन्यू है और लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है, उसको भंग करना है, उसको रोकना है, ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, ये काम भी गवर्नर करेगा, ठीक है। तो किसी भी विधानसभा को भंग करने का काम या उसको डिसॉल्व करने का काम गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, किसी सेशन को, किसी सेशन या सत्र को बुलाने का काम, मतलब उसको कॉलिंग करना है कॉल, ठीक है, और उसके कंप्लीशन की डिक्लेरेशन भी कौन करेगा, गवर्नर करेगा, एक चीज ये। उसके बाद में जो भी स्टेट लिस्ट पे जो सब्जेक्ट बन के आ रहे हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी कानून बनाया, ठीक है, उस कानून पे साइन कौन करने, साइन करने पड़ेंगे गवर्नर को। तो गवर्नर क्या करता है, लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आर्टिकल 200 में, ठीक है, आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग कुछ पावर्स होती हैं जो बिल उसके पास में आया है कानून बन के, वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हो गया, उसके बाद में वो गवर्नर के पास में आएगा। अब गवर्नर उस पर क्या क्या करेगा, देखो गवर्नर क्या करेगा, आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग, ये संविधान के आर्टिकल 200 में लेजिस्लेटिव पावर के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि या तो गवर्नर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, या उसको रिकंसिडरेशन के लिए डाल देगा, मतलब पुनर्विचार करो यदि कुछ में कुछ कमी है तो वो रिकंसिडरेशन डाल देगा। और रिकंसिडर के लिए कितनी बार कह सकता है, एक बार रिकंसिडरेशन, इसको बोलते हैं पुनर्विचार, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। या फिर एक इंपॉर्टेंट होती है जिसको बोलते हैं पॉकेट विटो, जेबी पॉकेट विटो, पॉकेट विटो, मतलब कोई भी बिल जो है वो गवर्नर के पास में आया और गवर्नर ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना तो उसको साइन करके एक्सेप्ट किया, ना ही वो मना कर रहा है,
ठीक है, ना ही उसने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, तो इसको बोलते हैं पॉकेट विटो, ठीक है, जेबी पॉकेट विटो, ठीक है, वो अपने पास में बिल ऐसे सेव रख लेता है। अब मान के चलो देखो रिकंसिडरेशन का तो सिंपल क्या है, एक बार गया ठीक है, वापस कहाँ जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा, फिर वापस रिकंसिडरेशन करके एक बार यदि सेकेंड बार यदि गवर्नर के पास में आता है तो अब गवर्नर क्या करेगा, या तो उसको साइन करेगा, या एक और अदर पावर होती है कि वह यदि ये डिक्लेयर कर दे कि जो सब्जेक्ट पे उन्होंने कोई बिल बनाया है या कानून बनाया है वह नेशनल इंपोर्टेंस से रिलेटेड है, वो कोई नेशनल इंपोर्टेंस से रिलेटेड है, तो उसको सेव रख सकता है और उसको राष्ट्रपति के लिए जो है वो समीक्षा के लिए भेज सकता है, ठीक है, उसको किसके लिए सेव रखता है, सेव फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये जो है अपन डिस्क्रेशनरी पावर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, ये गवर्नर का खुद का एक पावर होता है कि वह किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति के कंसीडर के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति उसको चेक कर सकता है, ठीक है, यदि किसको लगे, गवर्नर को लगे कि वह बिल जो है नेशनल इंपोर्टेंस से रिलेटेड है या कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो नेशनल इंपोर्टेंस का, ठीक है, तो उस बिल को कहां भेज सकता है, वो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास में भेज सकता है, और प्रेसिडेंट क्या करेगा उस बिल को, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में क्या करवाएगा, पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन करवाएगा, ठीक है, इसलिए उसको वापस चेक करेगा, ये काम कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, रिकंसिडर के लिए डाल सकता है, पॉकेट विटो, ना तो वापस लौटाए ना या ना तो नो ना यस, ठीक है, ये होता है पॉकेट विटो, सेव फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की समीक्षा के लिए वो भेज सकता है, ठीक है, ये होता है लेजिस्लेटिव पावर के अंदर ये आएगा। इसी में लेजिस्लेटिव पावर में एक और इंपॉर्टेंट पावर होती है, मान के चलो देखो आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग, संविधान के आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 213 क्या कहता है, संविधान का आर्टिकल 213 ये कहता है जिस तरह प्रेसिडेंट, ठीक है, जिस तरह प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग, मतलब आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करता है, ऑर्डिनेंस निकालता है, जैसे ऑर्डिनेंस निकालता है वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आर्टिकल 213 में गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस निकालता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। अब ये ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस एक ऐसा बिल है जब सेशन नहीं चल रहे हैं, मान के चलो सेशन का टाइम नहीं चल रहा है और स्टेट के अंदर किसी ऐसे रूल्स की जरूरत है, जैसे मान के चलो अभी कोरोना एपिडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, तो सेशन नहीं चल रहे हैं, और इस कंडीशन में मान के चलो यदि स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऐसे रूल्स की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, उस कंडीशन में राज्यपाल गवर्नर एक ऑर्डर जारी करेगा, ठीक है, वो एज ए ऑर्डिनेंस की तरह काम करेगा। अब देखो एक ऑर्डर मतलब एक कानून जारी किया है, तो मतलब वो एज क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से उसकी जो है वो हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, उसको अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, जैसे मान के चलो जब सेशन लगेंगे, ठीक है, जब सेशन स्टार्ट होंगे, सेशन स्टार्ट होने के 6 वीक तक, ठीक है, वो चल सकता है। सेशन स्टार्ट हुआ, ऑर्डिनेंस जारी हुआ, ऑर्डिनेंस जारी होने के मान के चलो कुछ टाइम बाद में सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन स्टार्ट होने के 6 वीक या 42 डेज तक ऑर्डिनेंस कंटिन्यू रहता है, या फिर उससे पहले यदि सेशन ने इस पे यदि कोई डिसीजन ले लिया तो उसको खत्म भी कर सकती है, इसको ऑर्डिनेंस को 42 दिन तक, सेशन स्टार्ट होने के 42 डेज तक वो रन रहेगा, ठीक है, और उससे पहले भी यदि लेजिस्लेटिव असेंबली ने यदि कोई डिसीजन ले लिया रिगार्डिंग टू द ऑर्डिनेंस, ठीक है, तो देन ही कैन स्टॉप द ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस को जो है वो बिल्कुल स्टॉप कर सकती है, उस ऑर्डर को जो है वो खारिज कर सकती है, ठीक है, ये है आर्टिकल 230 के अकॉर्डिंग द ऑर्डर टू इश्यू द ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर इन द स्टेट, ठीक है, ये स्टेट के अंदर ही जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, बाहर इसकी जो है कोई पावर नहीं रहेगी।
ठीक है। तो ये नॉर्मली ये जो है लेजिस्लेटिव पावर के अंदर ये सारे जो है वो आएंगे, ठीक है। 6 महीने का इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक चीज और, लेजिस्लेटिव पावर के अंदर क्या होता है, देखो हमारे पास में क्या है, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर हमें क्या नॉमिनेशन देखा था कि कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होकर जो है वो हाउस के अंदर आते हैं। जैसे यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी जो नॉमिनेटेड होकर आते हैं, तो ऐसे कैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली LA के अंदर और LC के अंदर, LC के अंदर कितने मेंबर आते हैं, 1/6 मेंबर, ठीक है, 1/6 मेंबर, और LA में एक मेंबर आता है, कितना, एक मेंबर, और वो कौन होता है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, और ये 6 मेंबर कौन होते हैं LC के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ये 6 मेंबर होते हैं लिटरेचर से, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, मतलब कुछ समाज सुधारक होते हैं उनको, ठीक है, और कॉरपोरेट से, सहकारिता, सहकारिता जो है एक स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, सहकारिता को स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इन 5 एरिया से 1/6 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, इन द LC, और 1 मेंबर, ठीक है, ऑफ एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो एंग्लो इंडियन पर यदि जरूरत पड़ती है, मान के चलो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, ठीक है, हालांकि राजस्थान में नहीं है ऐसा, लेकिन किसी स्टेट के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है और उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर संख्या में नहीं आए, उस कंडीशन में एक एंग्लो इंडियन को जो है नॉमिनेट कौन कर सकता है, गवर्नर कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। इसके बाद में अब अपन पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। देखो एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल में जो काम जो प्रेसिडेंट करता है वो काम स्टेट में करेगा गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब हो गया कि गवर्नर जो है वो कंट्रोल करता है मैन, जो बड़े बड़े जो पोस्ट होती हैं उनको अपॉइंटमेंट देना, जैसे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को थप्पा कौन लगाता है, जैसे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का सिलेक्शन तो है CM करता है, लेकिन फाइनल मिनिस्ट्री अलॉट कौन करता है, ये गवर्नर करता है, मिनिस्टर का जो है सिलेक्शन ये करता है, फाइनल जो है थप्पा ये लगाता है। उसके बाद में जो राज्य के अंदर जो बड़ी पोस्ट में जैसे स्टेट PSC होती है, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसका चेयरमैन, उसके मेंबर, उन सब का सिलेक्शन कौन करता है, ये गवर्नर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, पहले तो सारे मिनिस्टर का, मिनिस्टर के थप्पा लगाता है, उसके बाद में जो स्टेट PSC, जैसे मान के चलो राजस्थान के अंदर RPSC है, ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, इसका जो भी चेयरमैन होगा या फिर इसके जो भी मेंबर होंगे उन सब का सिलेक्शन कौन करेगा, ये करेगा। उसके बाद में जो एक सीट होती है जिसको अपन बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, इसको हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ये स्टेट का वकील होता है, एक तरह का स्टेट गवर्नमेंट का वकील होता है। इसका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, स्टेट के अंदर गवर्नर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है जो महालेखा वो होता है, ठीक है, जो ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है, वो भी कौन करता है, उसका सिलेक्शन भी कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है। यहाँ पे राज्य के अंदर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, उनका उनके वाइस चांसलर का सिलेक्शन कौन करता है, उनको वाइस चांसलर चुनना, मतलब वाइस चांसलर अपॉइंट करना। तो जो बड़ी बड़ी सीटें अपॉइंट करता है स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे राज्य भारत राजस्थान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन सब के जो वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, वाइस चांसलर VC। दूसरी चीज, जो मेन स्टेट यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो चांसलर खुद कौन होता है, ठीक है, गवर्नर खुद होता है, ठीक है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर,
स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर। दूसरी चीज, स्टेट के अंदर यदि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, स्टेट के अंदर यदि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जैसे अजमेर के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो उसका जो चांसलर होगा, उसका चांसलर कौन होगा? प्रेसिडेंट। उसका चांसलर कौन होगा? प्रेसिडेंट। दूसरी चीज, यदि किसी स्टेट में कोई एनएलयू है, ठीक है, कोई लो कॉलेज है, तो उस लो कॉलेज का जो चांसलर होगा वो होगा द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे मान के चलो जोधपुर के अंदर एनएलयू है, ठीक है, एनएलयू, तो इस एनएलयू का जो चांसलर होगा, ठीक है, चांसलर होगा वो कौन होगा? द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो एनएलयू का वाइस, एनएलयू का चांसलर कहलाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में जो है गवर्नर नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। इसके बाद में अपन एक दो पावर और देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर यही लगभग ये सारे पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में एक दो चीजें और हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? गवर्नर करता है। अब अपन पढ़ते हैं गवर्नर की देखो जुडिशियरी पावर। तीसरा पढ़ते हैं जुडिशियरी पावर। इसको बोलते हैं पार्डन पावर। पार्डन पावर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161, ठीक है। ये मैंने बोला था ना कि ये आर्टिकल 161 जो है ये गवर्नर के पावर से रिलेटेड है। और गवर्नर की कौन सी पावर? गवर्नर की जुडिशियरी पावर, या जिसको बोल सकते हैं न्यायिक शक्तियां, ठीक है, पार्डन पावर। पार्डन का मतलब होता है समाधान की शक्तियां, समाधान, ठीक है, समाधान की शक्तियां। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट के पास में किसी भी गिल्टी पर्सन या कोई भी जो अपराधी होता है उस अपराधी को क्षमा करने की, ठीक है, उसको पार्डन या उसको जो है छोड़ने की जो पावर प्रेसिडेंट के पास में होती है, ऐसी कैसी स्टेट के पास में भी कुछ पावर होती है जिसको बोलते हैं जुडिशियरी पावर। दूसरी चीज देखो, ये जो है फांसी की जो पावर होती है, फांसी की जो सजा होती है, या जिसको बोलते हैं डेथ पेनल्टी यदि दी हुई है, ठीक है, किसी भी जो गिल्टी को आदमी या किसी मुलजिम को यदि फांसी की सजा दी हुई है, तो फांसी की सजा को गवर्नर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी, यदि कोई छोटी मोटी कोई सजा है, ठीक है, जिसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट मिला हुआ, तो उसको चेंज कर सकता है। तो ये क्या क्या कर सकता है? रिड्यूस, मतलब उसको सजा को कम कर सकता है, ठीक है, उसको सजा को जो है वो कम कर सकता है, या फिर उसको क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। जैसे मान के चलो किसी को कोई सजा कुछ और दी हुई है और उसको कुछ किसी और में कन्वर्ट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं चेंज, मतलब वो परिवर्तन कर सकता है सजा में। एक है कि सजा को जो है पोस्टपोन कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। देखो पोस्टपोन करना मतलब जैसे सजा का जो तारीख कुछ और दिया और उस तारीख को जो है आगे पोस्टपोन करना, अदर डेट में जो है वो ट्रांसफर करना, तो ये भी जो है पार्डन पावर के अंदर जो है इंक्लूडेड होती है, ठीक है। ये आएगा अंदर जुडिशियरी पावर के अंदर, ठीक है, समाधान की शक्तियां। दूसरी चीज अपन बोलते हैं फांसी की सजा को जो है ये चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, यदि किसी को डेथ पेनल्टी दी हुई है, ठीक है, डेथ पेनल्टी मिली हुई है, डेथ पेनल्टी मतलब फांसी की सजा दी हुई है, तो फांसी की सजा के रिगार्डिंग जो है गवर्नर की कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। हालांकि ये चीजों कर सकता है, इनको बोलते हैं जैसे रिड्यूस करना, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुकरण, ठीक है। चेंज का मतलब होता है किसी को बदलना, ठीक है। पोस्टपोन का मतलब होता है किसी को जो है वो आगे स्थगित करना, आगे पोस्टपोन करने की कुछ ऐसे कंडीशन होती है। जैसे मान के चलो कोई आदमी जो है बीमार है, ठीक है, तो उसको आगे ले जा सकता है। कोई आदमी जो है, कोई औरत जो है वो प्रेग्नेंट है, तो उसको जो है उसी टाइम के लिए उसको जो है वो कोई पेनल्टी नहीं दी जा सकती, उसको आगे पोस्टपोन कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे
है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग द पार्डन पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है, गवर्नर की न्यायिक शक्तियां। इसके बाद में अपन एक देखते हैं चौथी जो शक्तियां हैं, ठीक है, गवर्नर की, वो है फोर्थ नंबर फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर देखो, किसी भी स्टेट के अंदर जो बजट होता है, ठीक है, बजट इज व्हाट ऑल द स्टेटस ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, तो जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में जो भी बजट होता है, वो बजट हमेशा टू पुट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, बाय द परमिशन ऑफ द गवर्नर, हमेशा गवर्नर की परमिशन के बाद में ही कोई भी बजट जो है वो लोक जो है वो विधानसभा में रखा जाता है, ठीक है। दूसरा चीज रखता कौन है, एफएम, एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है उस स्टेट का, वो जो है हमेशा हर साल बजट कहाँ पे रखेगा, एलए के अंदर रखेगा, एक चीज ये। दूसरा, गवर्नर के पास में किसी भी स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसका कंट्रोल होता है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड में से यदि आपको पैसे निकालने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल लाना पड़ेगा, और बिल के साइन किस पे होंगे, किसके होंगे, गवर्नर के होंगे, तो कंसोलिडेटेड फंड पे जो है उसका कंट्रोल होता है, कंसोलिडेटेड फंड मतलब इसको बोलते हैं संचित निधि, ठीक है, संचित निधि पे जो है वो गवर्नर का अधिकार होता है, फंड पर कंट्रोल होता है, कंसोलिडेटेड फंड पे जो है कंट्रोल होता है, संचित निधि पे जिसको बोल सकते हैं। इसके बाद में ये जो होता है गवर्नर जो होता है किसी भी स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन जिसको अपन बोलते हैं एसएफसी, ठीक है, एसएफसी का कंपोजिशन करना बाय द गवर्नर, गवर्नर ही जो है हर 5 साल के बाद में स्टेट के फाइनेंस कमीशन का गठन करता है, ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करना या कंपोज करना, ठीक है, कंपोजिशन करना, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करना। जैसे राजस्थान के अंदर जो है अभी जो है वो पांचवा जो है वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, 2015 से लेकर 2020 तक उसका टाइम पीरियड है, कंपोजिशन जो है वो फिफ्थ जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान के बारे में, ये फाइनेंशियल पावर के बारे में दे रखी है कि गवर्नर की फाइनेंशियल पावर क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में यदि किसी यदि ये डिक्लेयर कर दे कोई भी मनी बिल हो, ठीक है, तो मनी बिल के रिगार्डिंग भी जो है डिसीजन कौन लेगा, मनी बिल के रिगार्डिंग भी डिसीजन कौन लेगा, गवर्नर ही लेगा, गवर्नर के पास में ये पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकता है मनी बिल के रिगार्डिंग। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पावर आती है, उसको बोलते हैं डिस्क्रेशनरी पावर, ठीक है, डिस्क्रेशनरी पावर क्या होती है, देखो इसको बोलते हैं स्वविवेक की शक्तियां, देखो ये थोड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है कि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसको बोलते हैं स्वविवेक की शक्तियां, स्वविवेक की शक्तियां, ठीक है, या फिर बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गवर्नर के पास में, एक ऐसे मानते हैं कि प्रेसिडेंट के कंपेयर में भी स्टेट के अंदर जो गवर्नर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास में कुछ ऐसी पावर होती है गवर्नमेंट बनाने से रिगार्डिंग, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर कहलाती है, इसको बोलते हैं स्वविवेकीय शक्तियां, ये अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक होता है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपना लगभग गवर्नर टॉपिक पूरा हो जाएगा इस टॉपिक के बाद में, और उसके बाद में अपन जो है मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो अपना जो है लेजिस्लेचर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।